नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, कई गांव भी प्रभावित हुए, नतीजन अब ग्रामीणों में भय व्याप्त है। पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में घाघरा के कटान से भयभीत ग्रामीण महिलाओं ने सरयू नदी के किनारे पूजा अर्चना शुरू कर दी है। दरअसल घाघरा के कटान से कृषि युक्त कई एकड़ भूमि नदी में विलीन हो गया, तो वहीं कई गाँव भी प्रभावित हुए, नतीजन अब ग्रामीणों में भय व्याप्त है। प्रशासन द्वारा कटान रोकने की कोई व्यवस्था नहीं किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश भी व्याप्त है। आरोप है कि लगातार कटान को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक किसी ने एक न सुनी और नदी का कटान अभी भी जारी है। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर नदी किनारे सरयू नदी की पूजा अर्चना कर मन्नते मान रही है। कटान और बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों की माने तो मां सरयू से पूजा अर्चना के अलावा अब हमारे पास से कोई विकल्प नहीं है। बताया, अगर नदी का कटान नहीं रुका तो घाघरा के किनारे हजारों एकड़ कृषि भूमि और गाँव इसी नदी में विलीन हो जाएंगे। नदी किनारे महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना करने का यह वीडियो बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के रेगा गाँव का है। शिवशंकर चौहान, पूर्व विधायक बांसडीह। आज यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मामला यहाँ का है? मामला ये है कि मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ घाघरा नदी सीधे टकराव कर रही है रेंघा गांव, रामपुर नंबरी, आपका चितविसाओं कला, आपके कुल कला बिंदु बस्ती, इसके बाद चांदपुर पुरानी बस्ती, महाराजपुर, मैं सारे गांव दर्जनों जो है इसके न रोकने से दर्जनों गांव जाएंगे और भविष्य में टीएस बंधा पर भी खतरा उत्पन्न होगा जी। यही बात मैं सुनकर के आया। मैं देखा कि ग्रामीणों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी सिंचाई विभाग का, हजारों एकड़ कृषि जो कि भूमि कट के नदी में चली गई है, न राजस्व में तहसील से कोई अधिकारी आया देखने के लिए कि एक सब क्या हो रहा है जी। तो कम से कम संज्ञान में अधिकारियों को लेके आना चाहिए, ग्रामीणों से बात करनी चाहिए, इनको भरोसा देना चाहिए, लेकिन ये अधिकारी भरोसा भी नहीं दे पा रहे हैं कि इसमें हम कैसे क्या करेंगे, कैसे आप लोगों को बचाएंगे, आप लोगों की जमीन जो नदी में जा रही है उसके बारे में हम क्या आपको सुविधा देंगे, कहीं से कोई चर्चा ना, कोई बात ना, कोई सुख दुख लेने वाला कोई नहीं है। अब मैं आया हूँ तो अभी एसी से बात हुई है, इरीगेशन एसी से। उन्होंने कहा कि मैं तो गोरखपुर मीटिंग में हूँ, एक्सीएन को भेज दे रहा हूँ। मैंने कहा कि एक्सीएन को ही न भेजिए, तहसील के सारे अधिकारियों को बुलाइए, जो जमीनें नदी में जा रही है उसका मुआवजा तो मिलना चाहिए, ये भी तो दैवीय आपदा में आएगा। जमीन जा रही है उसका एकड़ के हिसाब से मुआवजा गवर्नमेंट देती है, तो कम से कम इसका तो पैसा दे। दूसरी बात यह है कि अगर ये कटान नहीं रोकेंगे तो ये दर्जनों गांव तो जैबे करेंगे, टीएस बंधा भी चला जाएगा। एकदम सही मैं बता रहा हूं जो स्थिति है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिकारी सचेत होकर के यहां आवे। कल आज तो छुट्टी है, कल मैं बलिया जाऊंगा, डीएम से भी बात करूंगा, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूं और यही गरीबों की पीड़ा देखते देखते इस विधानसभा का मैं विधायक बना था। बिना खर्चा के 9 लाख चंदा भी बच गया था, लोगों ने सिक्का से तोला था, तो हम आम लोगों के बीच में रहने वाले हैं, तो हम तो इस पीड़ा, इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, इसको संबंधित अधिकारी को उठाएंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जो कभी प्रयास करेंगे कि मैं अवगत कराऊँ कि आखिर में इसका समय से पहले अगर इस कटान को रोका नहीं गया तो क्या क्या भविष्य में क्षति होगी, और बाढ़ विभाग ये कहता रहेगा कि हम टीएस बंधा बचाने के लिए हैं, तो ये जब टीएस बंधा के पास पहुंच जाएगा तो अरबों खरबों का धंधा लोग करेंगे। क्यों नहीं यहीं पर इसको रोक दिया जाए, ताकि रोकने से टीएस बंधा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे, दर्जनों गांव जो नदी में समाएंगे वो भी बच जाए। तो इसलिए पहले इस पर कुछ न कुछ करना चाहिए, इसके लिए निश्चित मैं जाकर के अधिकारियों को संज्ञान में, ऊपर के शासन प्रशासन को संज्ञान में दिलाने का काम करूंगा जी। तो भाजपा की सरकार है, भाजपा के ही पूर्व विधायक रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या भाजपा राज में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं? जिस तरह ग्रामीण ने बताया था कि एसडीएम साहब आए थे उनके साथ कोई और भी अधिकारी, तो उन्होंने कहा गांव तबाह हो जाए कोई मतलब नहीं है, हम टीएच बंदा से मतलब है। देखिए सत्य बातें कड़वी होती है, जो ग्रामीण कह रहे हैं तो उनके ऊपर बीती है, तो कहबे करेंगे, वो तो उनको कहना ही है, जो चीज जिसके ऊपर बीतेगी वही ना कहेगा कोई बात। तो ये जो कह रहे हैं इनके ऊपर वो बीती है, वो व्यवस्था बीत रही है, अधिकारी उपेक्षा कर रहे हैं, उपेक्षा इनकी किए होंगे तभी तो एलिगेशन लगाया जा रहा है, लेकिन मैं निश्चित दबाव में अधिकारियों को लूंगा, जनपद से लेकर ऊपर के अधिकारियों को, और निश्चित इसमें ठोस कदम उठाने के लिए
मैं निश्चित पैरवी करके कुछ न कुछ कराने का काम करूंगा। ये मेरा भरोसा है, विश्वास है, ये विश्वास में लेकर के अधिकारियों का ये काम होगा जरूर। चैनल के माध्यम से अपने योगी जी को क्या कहेंगे? महाराज जी को यही कहेंगे कि थोड़ा इस मामले को संज्ञान में महाराज जी को लेना चाहिए। महाराज जी गांव गरीब की बात करते हैं तो इसको संज्ञान में लेकर के जो भविष्य में टीएस बंधा दर्जनों गांव जो नदी के आगोश में जाने वाले हैं उसको रोकने के लिए कुछ न कुछ कठोर निर्देश अधिकारियों को देने का काम करें ताकि इस कटान से हजारों एकड़ जो है लाखों एकड़ में कहिए ये भूमि जो है नदी में जाने से बच जाए, दर्जनों गांव नदी के गोद में जाने से बच जाए। तो उनसे मैं आग्रह अनुरोध निवेदन करूंगा इस पर कोई जल्द से जल्द कोई निर्देश या दिशा निर्देश जारी करें ताकि अधिकारी इसको कार्यान्वित करना शुरू करें। आप मौके पर आए हुए हैं, आप देखें नजारा, आपके द्वारा क्या पहल की जाएगी? मैंने देखा है, इसी तकलीफ में पैदा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। इन तकलीफों की इनकी तकलीफ मेरी तकलीफ है और जहाँ तक मैं अध्ययन किया हूँ देखा हूँ निश्चित उच्च अधिकारियों को मैं अवगत करा के कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर करूँगा। ये तीसरा बात, मेरा नाम ओपी यादव है, मैं यही रेंगा का ग्रामीण हूँ। जी जी, जो कटान हो रही है इसके विषय में क्या कहेंगे, कौन लोग यहाँ पाए हैं? देखिए, कटान की भयंकर स्थिति आज लगभग 3 महीने से चल रही है जी। बहुत, मैं तो लगभग 1 महीने से लाइव आ रहा हूँ। लाइव देखने के बाद एसडीएम साहब के यहाँ खबर गई, एसडीएम साहब बड़ा प्रयास करने के बाद, पत्रक देने के बाद 5 मिनट के लिए यहाँ पे आए और ग्रामीणों ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज अब तो गांव हम लोगों का हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि यहाँ सरजू नदी में विलीन हो गई। मैं आपसे बता दूं कि आज स्थिति लोग ये है कि दाने दाने के लिए मोहताज हैं लोग। जिसके पास 5 बीघा 10 बीघा की खेती होती थी उसके पास 2 कट्ठा जमीन नहीं है कि खेती करे। यहाँ आए, 5 मिनट आश्वासन दिए और बस यही कहे कि मैं आप लोगों की बात उच्च अधिकारियों से अवगत कराऊंगा। इसके बाद कुछ यहाँ पे नहीं हुआ, न कोई खबर न कोई सुना सुनी। मतलब ये माना जाए जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई अधिकारी कुछ सुन नहीं रहा है? नहीं, जनप्रतिनिधि तो कोई आया ही नहीं है। पहले दिन जो हमारे विधायक, पूर्व विधायक आदरणीय श्री शंकर चौहान जी हैं और इसके पहले नेता लोग में 2 लोग आए हैं, आदरणीय पूर्व जिला पंचायत सदस्य झुन्नू सिंह और जो वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं फागू यादव, और तीसरे ऐसे नेता हैं श्री शंकर चौहान जी जो आए हैं, और परसों समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हरिंदर सिंह जी आए, बाकी और कोई नहीं आया सूद लेने। और आ भी रहा है तो कम से कम भाई उच्च अधिकारियों से बात करें, जो नेता लोग हैं वही ना कुछ कर सकते हैं, ग्रामीण यहाँ क्या कर सकते हैं? इस कटान से कितने गांव प्रभावित होगा? इस कटान से लगभग मैं आपको बता दूं कि 10 गांव प्रभावित हैं। अभी तो यहाँ मैंने 5 गांव डेंजर जोन पे हैं, रेंगहा, रामपुर, नंबरी, चितबिसाव, महाराजपुर, पुरानी बस्ती, चांदपुर, जो पूरी तरह से मैंने विलीन होने की स्थिति में है। और रेंगहा, रामपुर, नंबरी तो यहाँ से लगभग 60-70 मीटर की दूरी पे है। ये रिंग में रिंग बंधा था, पूरी तरह से कट गया। स्थिति बड़ी ही भयावह है और ये स्थिति अगर उच्च अधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई तो लगभग मान के चलिए कि 5 से 7-8 दिन में ये गांव पूरी तरह से विलीन हो जाए। कितने जमीन विलीन हुई है इसमें भी? अब इसमें हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि विलीन हो गई सरजू नदी। कोई सुन नहीं रहा है? कोई सुन नहीं रहा है, शासन प्रशासन उच्च अधिकारी कोई हमारी सूद लेने नहीं आया अभी तक। नहीं, अभी एसी से बात हुई है। राजमुनि जी कहाँ के रहने वाली हैं? रामपुर जिला। यहाँ लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? सरजू जी के मनाने के लिए। हम लोग का घर द्वार सभी ढह गया है, अब कोनो भरोसा नहीं है। हमनी का खेत बधार सब गिर गया है, हम लोग बच्चा का लेकर के बंधा पर मर रही है, कोई नहीं पूछवाया है जी। आपके घर द्वार जमीन 24 में चले गए हैं? हाँ, दरिया में चला गया है। कितने लोग? कैसे हम लोग रह गए? अच्छा, इसीलिए आप लोग पूजा कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, जे माता जी हमनी के भिक्षा दी। हाँ, कोई अधिकारी आया था आपसे सहयोग करने के लिए? कौन अधिकारी आया था? कोई ना कोई ना कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है ना।